BMC has now filed an FIR against the residents of Campa Cola for not letting them carry out the Supreme Court ordered demolition. Meanwhile, NNIS spoke to former Deputy Commissioner of BMC, G R Khairnar, who feels that BMC is not doing the interpretation of law perfectly. Khairnar said that there is no need of demolishing the Campa Cola compound. He also feels that the officials of municipal corporation are in a hurry to demolish the compound. बिल्कुल कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो जैसे अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्टैंड लिया है, अगर लोग विरोध करते हैं तो उनके ऊपर सरकारी काम में दखल देने के या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने के कारण प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालने वाले हैं। तो देखिए, कंटेम्प्ट का जो फैसला होगा वो देखेंगे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, तब तक तो रुक सकते हैं। तो आज डिमोलिशन की जरूरत है। नंबर दो, आज भी ये लोग एक महीने का प्लान तैयार करके नोटिस महानगर पालिका को दे सकते हैं। अगर एक महीने में उन्होंने प्लान पास नहीं किया तो आगे वो तोड़ नहीं सकते, ये दूसरी बात। नंबर तीन, अगर महापालिका आयुक्त के अधिकारी लोग इतने उत्सुक है कि ये गरीब लोगों का मकान ढहना चाहिए, तोड़ना ही चाहिए, तो तोड़ो, पर उसके पहले कम से कम कन्वेंस तो करा दो। कन्वेंस करने से इन लोगों को अधिकार रहेगा कि ये बिल्डिंग पूरी तोड़कर भी वो नया बना सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको खर्च नहीं आएगा, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। The former deputy commissioner of BMC also failed to understand whether BMC officials are insisting for the demolition of publicity or money. Khairnar feels that the officials are not doing the interpretation of law perfectly, as there are many ways to help the people. आज अगर ऐसे तोड़ेंगे तो उनको भवन बनाने को अगर नहीं मिला आगे चलकर तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक एक का कुछ करोड़ों रुपए की कीमत है एक एक फ्लैट की, जो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसमें नहीं परवड़ेगा। तो ये बहुत सीधे साधे रास्ते हैं, बहुत आसान रास्ते हैं, परंतु पता नहीं हमारे अधिकारी लोग पैसे के कारण हो या कोई पब्लिसिटी के कारण हो और या कानून का सही मायने में इंटरप्रिटेशन उनको बराबर नहीं करते हो कि यो पीछे लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो बहाना किया है, महापालिका और मुख्यमंत्री जो अभी बयान दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का बहाना कर रहे हैं, वैसा नहीं है। Khairnar questioned whether other illegally constructed buildings in Mumbai will also be demolished or not. यहाँ मदद करने लायक बिल्कुल व्यवस्था है, और वो आज Campa Cola तोड़ेंगे, इस हमारे मुंबई शहर में 50% से ज़्यादा बेकानून बांधकाम है। थाना उल्लासनगर में 60-70% अवैध बांधकाम है, क्या कोई तोड़ सकता है? थाना में इमारत गिरी, लोग मर गए, तो अभी NCP के जो नेता है उसने तोड़ काम करने नहीं दिया आगे। अभी वो फिर वो मुख्यमंत्री ने बयान किया है कि हम नया कानून निकालते सबके कानून करेंगे, जब करेंगे, जब कानून निकालेंगे तब निकालो, कम से कम अब ये जो लोग उजाड़ रहे हैं उनका तो कम से कम मदद करो, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक आपका कानून नहीं बनता है। आपका ये उजाड़ जाएगा फिर कानून बनेगा तो Campa Cola वाले के लिए कुछ फायदा नहीं है। Powered by NNIS.